कलन से ना चाल से, प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। फिर आए सीन दिलरुबा का ट्रेलर आ गया और ये देख के हमारा रिएक्शन था मुझे लगता है ये होगी साल की बेस्ट मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। मतलब कपिल शर्मा शो के 13 के 13 एपिसोड कंबाइंड इतने अच्छे नहीं थे जितनी ये एक मूवी अच्छी होगी। क्या ट्रेलर आया, ओए होए मजा आ गया यार। मेरे को एक डर है छोटा सा कि जैसे मिर्जापुर का ट्रेलर आया था वाटर ट्रेलर, पर उन्होंने सीरीज में क्या करा तो मुझे लग रहा है कि ये इनके साथ इतनी अच्छी मूवी जो उन्होंने बनाई है फिर से इनका वो ना करें। यार मुझे लग रहा है मिर्जापुर के साथ ना मेन दिक्कत क्या हुई कि वो जो स्टोरी लाइन को बिल्डअप करना चाह रहे थे वो 10 एपिसोड के अंदर इतना खींच गया कि आप इतना धीरे 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 चल रही है कि बंदा बोर हो जा रहा है, सोए जा रहा है बीच बीच में। लेकिन ये तो 2 घंटे की मूवी है तो ये यूं करके निकल जाएगी और मुझे लगता है सबके जो दिल हैं वो खुश हो जाएंगे और डर भी लगेगा कि बीच में ओ यार ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है क्योंकि जब हसीन दिलरुबा आई थी मुझे लगता है वो इतने हाई बजट पे नहीं बनी थी और मुझे लगता है उसकी हाइप भी नहीं थी, वो वर्ड ऑफ माउथ से इतनी चलने लगी क्योंकि वो एक्चुअली बहुत बढ़िया पिक्चर थी। और मुझे लगा है तापसी और विक्रांत मैसी की बेस्ट मूवी। मतलब हाँ, इन दोनों के अपने अपने करियर की सबसे बढ़िया एक्टिंग अगर इन्होंने करी है तो मुझे लगता है वो यही मूवी थी। तो इस जो ये इसका सीक्वल आ रहा है, अब इसके अंदर बजट थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि जब जहाँ पे वो हर्षवर्धन राणे था वहां पे सनी कौशल आ गया। तो यही है स्टोरी का प्लॉट। अभी भी हमें जो लग रहा है कि विक्रांत मैसी जो कि अब अगर आपने हसीन दिलरुबा नहीं देखी है तो उसका एक स्पॉइलर है कि विक्रांत मैसी जो एक्चुअल में लग रहा होता है सबको मर गया वो एंड में नहीं मरा होता और वो इनका हस्बैंड ही होता है। तो अब इसमें भी ये है कि एक तीसरा मर्द आ गया है और तापसी चीटिंग कर रही है और एक इन्होंने एक डायलॉग आएगा बीच में कह रहा है पर तू तो बच्चलन है ना ओ भाई वहां पे वो पूरा खेल है। पता है मुझे बेस्ट फ्रेंड की लग रही है कि लोग जहां रीमिक्सेस कर रहे हैं गानों की इन्होंने वही सेम गाने रखे हैं विदाउट रीमिक्स, वो बीच बीच बज रहा है, एक हसीना थी बैकग्राउंड में चल रहा है, बढ़िया लग रहा है वो म्यूजिक। हाँ, एक हसीना थी और पूरा पूरा उन्होंने माहौल बना के रखा है। और सबसे अच्छी बात कि ट्रेलर से ये नहीं पता लग रहा कि यार स्टोरी क्या होगी। हाँ, और इस बार तापसी किसका मुझे लग रहा है विक्रांत मैसी अच्छे दिल के इंसान लगते हैं तो फिर से फॉरगिव कर देंगे उनको। हाँ, और अपना लेंगे इवन आफ्टर चक्कर विद सनी कौशल। चक्कर अब वो चक्कर किस लिए हो रहा है क्या पता, सनी कौशल सच में कोई खराब आदमी हो या ग्रे शेड वाले आदमी हो या फिर हो सकता है कि सनी कौशल सच में अच्छे आदमी हो और दोनों तापसी और सनी कौशल को सच में प्यार हो जाए और उसमें झूले पे बैठ के वो सनी कौशल को विक्रांत मैसी बोलते हैं कि भाई प्यार की लकीरें ना हाथों में होती है और प्यार के लिए मैंने तो हाथ ही काट दिया अपना। क्या व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ मैन। और मुझे तो लग रहा है एक और सीन दिखाते हैं कि वो बोट पे जा रहे हैं और नीचे से क्रोकोडाइल आ रहा है। क्रोकोडाइल नहीं है वो, इंसान है बीच में ऐसे, तो आंख तो क्रोकोडाइल जैसी लग रही है। मुझे तो वो लगा कि उन्होंने विक्रांत मैसी है वो नीचे, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा ट्रेलर है, जब पता चले कि इंसान है या क्रोकोडाइल है तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है, दिस इज आर्ट देन। हाँ, आर्ट, दिस इज प्योर सिनेमा। तो मतलब देखो हर चीज में मजा आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात पुलिस वाले जो इस बार हैं, yes, very hot, जिमी शेरगिल, ओए होए, जिमी शेरगिल ने मतलब मजा बांध, मतलब और वो बन के आए उसकी रियल चाचा हर्षवर्धन के। हाँ, कि ये तो वो रिवेंज भी लेना चाहेंगे उनसे। तो हाँ, ये अब मतलब जिमी शेरगिल तो टॉप क्लास एक्टर है ये, मतलब कभी भी कई, और ना जिमी शेरगिल मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है। हाँ, किसी भी हर जगह ना छोटे 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 रोल में आते हैं, चाहे वो तन्नू वेड्स मन्नू हो चाहे वो कोई भी मूवी हो, मतलब अपने और छा जाते हैं। हाँ, थोड़े से रोल में भी हमेशा, साई बीवी और गैंगस्टर थे ऑल्दो उसमें काफी अच्छा रोल था लेकिन अपनी छाप तो छोड़ जाते हैं वो, बढ़िया रोल है। बट मुझे ये लग रहा है यार सनी कौशल एंड गर्लफ्रेंड शर्वरी दोनों यार कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। ये भी ये वाली कर रही है और वो स्पाई यूनिवर्स में आ गई है मुंजिया, उसके बाद स्पाई यूनिवर्स में YRF के विद आलिया भट्ट। व्हाट आर यू सेइंग, यस मतलब टाइगर पठान कबीर एंड यस, ओ वाह यार शर्वरी का तो बहुत, और मुंजिया भी उन्होंने करी और सिंगल हैंडेडली यार वो कितना बढ़िया 100 करोड़ क्लब में गई वो मूवी। हाँ, तो मुझे लगता है दोनों कपल जो है बहुत बढ़िया कर रहे हैं, दोनों कपल नहीं एक ही कपल के दोनों पार्ट, एक ही कपल के दोनों पार्ट बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है सनी कौशल अच्छे से बैठ भी रहे उस रोल में कि वो भी थोड़े शरीफ बने हुए हैं, चक्कर चलाने वाले बने हुए हैं, तो बढ़िया लग रही है मुझे कि दो शरीफ लड़के एंड वन
इन विक्रांत मैसीज लैंग्वेज बच्चलन लड़की, बच्चलन लड़की है, क्योंकि उन्होंने पहली मूवी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि वो उनकी शादी जबरदस्ती करा दी जाती है विक्रांत मैसी के साथ और वो हर्षवर्धन राणे के साथ कुछ उन पे चीट करती है, ये होता है। तो अगर आपने देखी नहीं है तो आप देखना मूवी, मतलब बहुत ही बढ़िया मूवी है और मजा आ जाएगा। और आप लोग जो हमें कहते हो कि हम लोग हेटर हैं, हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आता, बुराई करते रहते हैं, देखो अब अच्छी चीज है तो पसंद आएगी ना यार। अच्छा मतलब चाहे ट्रेलर हो, एक नंबर ट्रेलर लग रहा है और सारी इंटेंसिटी, मतलब चाहे वो तापसी की इंटेंसिटी हो, चाहे वो विक्रांत मैसी की हो, और सेम डायरेक्टर है, सेम डायरेक्टर सेम राइटर। उन्होंने मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिमाग में ये सोच रखा था, क्योंकि वो हल्का सा वो क्लिफ हैंगर टाइप पे तो छोड़ी थी हसीन दिलरुबा और अब उसी से कॉन्टिन्यू करेंगे। तो कास्ट भी बढ़िया हो गई है, बजट भी बढ़ गया है और एक्ट्रेस तो आपके पास अच्छे हैं। तो मुझे तो लग रहा है 9 अगस्त को ये जो मूवी आने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, मैं तो भाई पहली रात को 12 बजे बैठ जाऊंगा ये देखने के लिए और पहले दिन आपके लिए रिव्यू लेके हम लोग आ जाएंगे। जबरदस्त होगी मुझे लगता है ये मूवी। पर आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं स्विच।